बस एक ही चीज़ का अफसोस है यार कि थोड़ी सी जर्नी छोटी रह गई। शेफाली जो है वो बायस थी कैप्टेंसी के दौरान, उन्होंने कई चीजें की और इनफैक्ट ये बात बोली भी गई थी। हाँ, ना, मुझे ये भी दिखता है ना कि आप जब बोलती है मैं नहीं करूंगी, मुझे दंड दे दो। आप ये पूछ रहे हो कि मैंने आपको दंड ही नहीं दिया। Bahu is a very nice person. मेरी जर्नी के अंदर बाहू के मुंह से कोई गाली नहीं सुनी है, and I think he's a fantastic person. और शहनाज जो दिखती हैं वो उस तरीके की तो बिल्कुल नहीं है, जो छेड़छाड़ इनके बीच में चल रही है, और वो जो भी एंगल हो आई थिंक दोनों they both are matured enough to decide कि वो क्या एंगल है। वहाँ पे कोई भी चीज हमारे तुम्हारे हिसाब से नहीं। टॉप थ्री कंटेस्टेंट में जो है वो रश्मि देसाई जी हैं। आपने सोचा था कि मैं इस तरीके से इतनी जल्दी बाहर आ जाऊँगा? मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था कि मैं काफ़ी आगे तक जाऊँगा, और आई डोंट नो कि ये कैसे हुआ और मैं कैसे बाहर आया, और ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, और आई एम स्टिल इन शॉक। देखिए, जर्नी बहुत अच्छी रही। वो घर ही ऐसा है जो आपको काफ़ी चीज़ें सिखा देता है लाइफ में, और क्योंकि मुझे वक्त बहुत कम मिला सो इसलिए मेरी जर्नी बहुत छोटी सी रही, और मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल ऐसी कोई हम लोग कोई चीज़ डिसाइड करके नहीं गए थे, और इनफैक्ट मैं यही कह रहा हूँ कि अंदर जाने के बाद हमारी दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हो गई थी, और हमारे बीच में काफ़ी ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे जो कि आपने इस दो हफ्ते की जर्नी के दौरान देखे होंगे। हमारी नोकझोंक भी हुई है, हमारी क्यूट झगड़े भी हुए हैं, लड़ाई भी हुई है, और हम लोग एक दूसरे से बड़े प्यार से बात करते हुए भी नज़र आए, और सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से हुई हैं। सो ऐसा मैं बिल्कुल मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि वो चीज़ें सामने नहीं आई हैं। हमने आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें की हैं। देखिए, अब वो हैं जिन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। खैर, नहीं पहचानते होंगे, नहीं याद आया होगा उनको। लेकिन सिद्धार्थ जी के साथ में दोस्ती नहीं हुई ऐसा भी नहीं है, उनसे अच्छे से बात नहीं हुई ऐसा भी नहीं है। मेरी उनसे अच्छे से बाद में बात होना स्टार्ट भी हुई थी। इनफैक्ट वो टनल वाले टास्क के कुछ दिन के बाद में हम लोग अच्छे से बात कर रहे थे, और एक बार जब मुझे उनकी टीम में डाला गया तब भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से बात हुई थी। लेकिन हाँ, 15 दिन के अंदर मुझे उनसे वो वाइब्स नहीं आई जो वो हमेशा कहते रहते हैं, वाइब्स नहीं आई। तो मैं ये 15 दिन के अंदर मुझे उनमें से वो वाइब्स नहीं आई कि जो मैं कह सकूं कि हाँ, हमारी दोस्ती हो गई और हम दोस्त हैं। एक हफ्ते में ये हो गया कि घर में आरान चला गया था, और उसने हवाएं बदल दी थी, माहौल घर का थोड़ा सा चेंज हो गया था, हर इंसान प्यार से बात करने लग गया था, जो चीज़ें अच्छी हो रही थी। और आई थिंक ये तो खुश होने की बात है अगर एक दूसरे से लोग प्यार से बात करें, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बिग बॉस का घर है। वहाँ पर कोई भी चीज़ हमारे तुम्हारे हिसाब से नहीं होती है, वहाँ के मालिक हैं बिग बॉस, और चीज़ें उन्हीं के हिसाब से होती हैं। देखिए, खाली 2 दिन का जर्नी मैंने वो देखा है जो छेड़छाड़ इनके बीच में चल रही है, और वो जो भी एंगल हो आई थिंक दोनों दे बोथ आर मैच्योर्ड इनफ टू डिसाइड कि वो क्या एंगल है, और बाकी हमें देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, तो हमने तो इन्जॉय किया। मुझे लगता है पारस और माहिरा दोस्त हैं, दोनों मिलके गेम खेल रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ ही आई थिंक 24 घंटे रहते हैं, और 24 घंटे एक दूसरे के साथ ही गेम खेलते हैं। माहिरा शहनाज का ये है कि मुझे शहनाज जो है वो कभी कभी समझ नहीं आती, और शहनाज जो दिखती हैं वो उस तरीके की तो बिल्कुल नहीं है। शहनाज शी इज़ वेरी स्मार्ट, और वो बहुत तरीके के साथ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए अपना गेम। बाहू इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, जैसा कि हमने बाहू से एक्सपेक्ट किया था कि वो जैसे बाहर गालियाँ देते हैं वैसे अंदर जाके देंगे। सो मैंने अभी तक मेरी जर्नी के अंदर बाहू के मुँह से कोई गाली नहीं सुनी है, एंड आई थिंक इज़ अ फैंटेस्टिक पर्सन, और बाहू जो है बहुत एक अच्छे इंसान है। शेफाली जो है वो बायस थी कैप्टेंसी के दौरान, उन्होंने कई चीज़ें की और इनफैक्ट ये बात बोली भी गई थी कि जिसकी टीम का कैप्टन होगा वो थोड़ा सा तो अपनी टीम के लिए बायस होगा, जो कि मुझे लगता है कि उनकी सही सोच है, और उन्होंने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि मैं बायस हूँ थोड़ी सी क्योंकि वो टीम मेरी है। और तो यही चीज़ दूसरे घर वालों को बुरी लगी और दूसरे टीम वालों को बुरी लगी, और मुझे लगता है कि जब आप एक घर के अंदर हैं और स्पेशली जब आपको कैप्टन बनाया जाता है सो आपको बायस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पूरे घर को एक साथ लेके जाने की ज़रूरत है, ये मेरा मानना है। देखिए, ये बातें मुझसे अभी ऑलमोस्ट सारे रिपोर्टर्स ने पूछी है, और मैंने सबको यही बोला है कि ये एकदम फेक न्यूज़ है। मैं वो जो लड़की का जो भी आपने नाम बोला था, मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, एंड सेकेंडली हाँ, मेरा नाम मज़हर शेख है, और मेरा जो ऑफिशियल नाम है, जो मेरे जिस नाम से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, अग्रीमेंट्स बनते हैं, ये यही नहीं बल्कि इससे पहले भी जितने जो भी मैंने काम किया है, जो मेरे एग्रीमेंट्स बने हैं, कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, सब मज़हर शेख के नाम से ही बनते हैं। अरहान जो है वो मेरा निकनेम था, इसलिए मैंने ये नाम अपना जो है ये इस फील्ड के अंदर यूज़ किया। मुझे लगता था ये नाम काफ़ी इम्पैक्टफुल है, और मुझे ये नाम काफ़ी पसंद था क्योंकि ये नाम मेरी माँ ने रखा था।
सो मुझे लगा ये नाम यूज़ करना चाहिए, मैं अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करता हूँ इसलिए ये नाम को लेकर मैं आगे बढ़ निकला। जी देखिए, इसके अंदर बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है और मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई करता हूँ, और ये सब सवाल अगर आप मुझसे नहीं पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है टॉप 3 कंटेस्टेंट में जो है वो रश्मि देसाई जी हैं, देबोलिना है एंड सना है। मैं फैंस को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच मुझे ये प्यार देने के लिए, और बस एक ही चीज़ का अफसोस है यार कि थोड़ी सी जर्नी छोटी रह गई, थोड़ी सी और अगर वक्त मिलता तो ये बहुत खूबसूरत जर्नी बन सकती थी, आप लोग भी बहुत एंटरटेन होते हैं, लेकिन कोई नहीं, होप फॉर द बेस्ट और आगे की चीज़ों पर ध्यान देते हैं। थैंक यू सो मच।